अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद रिफ़त। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट कैरमल केक। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होगा। तो चले जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कैरमल चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने चॉकलेट स्पंज जो है उसको मैंने पहले से एक दिन बना कर रख दिया था और काफ़ी दफ़ों मैं बना चुकी हूँ चॉकलेट केक, और इसकी रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। तो उसके लिए अभी क्रीम में मैंने तकरीबन हाफ कप क्रीम ले लिया है और इसमें एक कप जो है मैंने चॉकलेट जो है ये डार्क चॉकलेट है इसको मैंने छोटा छोटा सा तोड़ लिया था और उसके बाद वो मैंने इस क्रीम में डालकर इसको मेल्ट कर लेना है। अच्छा, बाद में मुझे ये क्रीम किसी और चीज़ के लिए भी चाहिए थी तो मैंने जो पूरा एक पैकेट होता है वो ऐड कर दिया था इसमें, और इस जब ये अच्छे से मेल्ट होगी तो इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया, थोड़ी ठंडी हो जाए फिर इसको हम बीट कर लेते हैं। यहाँ केक जो है उसको मैंने 3 लेयर्स में काट लिया है, जो इसका ऊपर वाली साइड थी वो मैंने अलग कर दी थी, उसके बाद इसको 3 लेयर्स में काट लिया है। चॉकलेट जो मैंने रेडी करके रखी थी वो ठंडी हो गई है, उसको मैं बहुत अच्छे से बीट कर लेती हूँ। बीट करना इसको इसलिए ज़रूरी है कि समटाइम जब हम लोग केक बना रहे होते हैं तो चॉकलेट अगर हम अच्छे से मेल्ट नहीं करते या वो बीट नहीं करते हैं तो उसके कुछ चंक्स होते हैं जो फिर केक बनाने के दौरान हमें बार बार निकालने पड़ते हैं। तो जब आप लोग उसको अच्छे से बीट कर लेते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम जो है आपको फेस नहीं करना पड़ती। अच्छा, अब मैंने क्या किया है कि केक की फर्स्ट लेयर रखी है, उसके ऊपर सिंपल शुगर सिरप जो है वो ऐड कर दिया है, उसके बाद जो चॉकलेट मैंने उसका गनाश बना के रखा था वो ऊपर ऐड किया, और साथ में ही मैंने कैरमल सॉस ऐड कर दिया। उसके बाद सेकेंड लेयर सेम प्रोसीजर वहाँ रिपीट किया, सबसे पहले उस पे मैंने शुगर सिरप ऐड किया, उसके बाद चॉकलेट जो गनाश था वो ऐड किया, और अगेन मैंने जो कैरमल था वो उसके ऊपर डाल दिया। थर्ड लेयर जो थी उसके ऊपर भी सेम मैंने शुगर सिरप जो था वो डाला, और उसके बाद चॉकलेट डालकर मैंने साइड से भी उसको सारा कवर करके मैंने थोड़ी देर फ्रिज में उसको सेट होने के लिए रख दिया। जब चॉकलेट अच्छे तरीके से सेट हो गई तो अब इसके पे मैं करूँगी क्रीम के कोटिंग। अच्छा, क्रीम मैंने विप कर ली थी, चिल्ड क्रीम का 1 कप जो है वो मैंने ले लिया था और उसको बहुत अच्छे से बीट कर लिया है। अब मैंने पाइपिंग बैग में इसको ऐड कर लिया है और इसको मैंने सबसे पहले केक की साइड्स पे लगा दिया, और अभी ऊपर की साइड पे लगाकर अब मैं इसको सेट कर लूँगी। अच्छा, सेट करने के लिए अगर आप बिगनर भी हैं तो आपको मैं बहुत हल्के से बताती हूँ कि आपने नाइफ की मदद से, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल ही हों तो आप केक बना सकते हैं, इस तरीके से आप आराम आराम से इसको करते हुए सेट कर लीजिए। और अगर आपसे बहुत नीट नहीं भी हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, आप इसी नाइफ से इसके ऊपर आप कोई डिज़ाइनिंग भी कर सकती हैं। अच्छा, मैंने चॉकलेट जो मेरे पास कुछ बच गई थी उस पर मैंने क्रीम मिक्स करके ये पाइपिंग बैग में ऐड कर दी है, और मैंने छोटे से छोटे छोटे फ्लावर्स बना दिए हैं, साथ में कुछ व्हिपिंग क्रीम जो थी उसमें मैंने हल्का सा पिंक कलर ऐड करके ये मैं साइड पे इस तरह इसका भी एक बॉर्डर सा बना रही हूँ। तो थोड़ी आप डेकोरेशन जो है वो जो भी आप फ्लावर जिस किस्म के भी बनाना चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है, वो आप उस तरीके से बना सकते हैं। थोड़ा सा मैंने कैरमल सॉस जो है वो ऐड कर दिया है, और ये बेहतरीन और बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिरप जो है केक जो है ये रेडी है। आप ज़रूर ट्राई करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।